सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? कितने बाहर गए हो ऐसी? सो अज बड़े दिनों बाद मैं थोड़े लिए वीडियो बना रही हाँ। और ये तू मैं कमेंट आया सी कि गुलाब मिक्सिंग वाला ड्रॉ करना सिखाओ। थोड़ा जहा क्रिटिकल होंगे पर बहुत आसान है, ये सोच के चलो। देखो मैं पेंसिल ना तुम्हें ड्रॉ करना सिखावगी। सब तो पहला देखो अपना आ मान लो सेंटर पॉइंट आ, इस तरह इनू उलीकना शुरू कर दो। इस तरह करके जो असं इतने आए तो इनू इदा लै आना, ठीक है? मेरे हिसाब नाल इन्ना ड्रॉ करना औखा नहीं आ। और फिर इस तो बाद असी इनू इस तरह लीफ दी शेप दे देनी आ। और इधरों भी सेम इस तरह लीफ दी शेप दे देंगे। और इधरों ओके, उस तो बाद इतों एक पत्ती कढ़ांगे, फिर इधरों एक लीफ कढ़ के, इधरों तुसी चाहो तो इतने छोटिया छोटिया भी दे सकते हो। फिर इस साइड पर कढ़ांगे और इस तरह इनू कंप्लीट करांगे। ओके, ये तो होगी साड़ी फ्लावर दी शेप। और इतने असी इनकी डंडी बनावांगे। मैं तुहानू दसदी हाँ इस तरह डंडी बनाते हुए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जी। और इत्थे आपां लीव्स ड्रॉ करती हैं। लीव्स देखो इस तरह, फिर थलों स्टॉक इस तरह, ठीक है? और इत्थे वैसे ही डंडी कढ़ांगे। और इत्थे आपां एक सेम वही प्रोसैस चो निकलते हुए इत्थे आपां एक की बन गया जी ये, ठीक है, बड कली ये ड्रॉ करती। और सेम इत्थे डंडियां असी लगातियां और एक पत्ती असी इत्थे बनावांगे। हुण ये सी साडा उलीकन दा प्रोसैस। आई थिंक बहुत आसान है, फिर भी नहीं समझ आएगा फिर कमेंट करना, मैं फिर वीडियो बना लाँगी। हुण असी इनू मैं तुहानू दसदी हाँ कि असी इनू फिल करना है, बहुत सौखा फिल करना है इनू। तुसी राउंड शेप दा कोई भी ब्रश लो, जिमें देखो मैं तुहानू की दसा, मेरे को नंबर का कोई है ही नहीं। मैं बड़ा कलर उपर लगा हुआ देखती हाँ कि नंबर है, पर तुसी ना कोशिश करो कि छोटा ही होवे। मेरा थोड़ा जहा राउंड ब्रश वड्डा है, देखो एव राउंड ब्रश होएगा। तुसी एक नंबर लै लो, दो नंबर लै लो, कोई भी जो तुहानू ईजी लगे। और वाइट कलर के डिप करके ना इनू तो इतों स्टार्ट कर दो सेंटर पॉइंट चो, ठीक है? सेंटर पॉइंट चो स्टार्ट करके उलीकनी करते हुए ना, ये उलीकनी असी तां कर रहे हैं कि बाद विच जदों असी मिक्सिंग भी करांगे, सारी प्रोसैसिंग करांगे ना, तो फिर एक निशानदेही होएगी। सानू पता लगता रहेगा कि आ पार्टीशन आ, आ पैटल्स आ। और इस तरह असी जड़ा आ वो फ्लावर बनाउणा है। और सानू पता लगता रहेगा कि आ शेप आ, भुलेगी नहीं, क्योंकि जदों आपां पहला कलर लगा दिंदे आ ना, तो उस ते बार बार लगाउण दे बाद भी जड़ा नीचे वाला कलर आ ना, वो हमेशा दिखाई दिंदा। तां सारयां नूं मैं पहलां ही रिक्वेस्ट कर देनी आ कि वीडियो नूं लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना, वध तो वध शेयर करना, ताकि अपने जिहड़े सबसक्राइबर आ वध सकन, बहुत सारे लोग जिहड़े आ ओह लाहा लै सकन। ते वीडियो नूं पूरा देखना, पूरा फिर ही तुहानूं इह समझ आएगी किद्दां असीं जिहड़ा फ्लावर क्रिएट करना है रोज़ दा। बड़ा नैचुरल जी लुक होएगी इहदी, ठीक है? आ तुसी देख रहे हो जिद्दां मैं नीचे पेंसिल नाल ड्रॉ कीता सी, उस तरह ही आपां इत्थे वाइट कलर दे नाल सेम उही ड्रॉ करता। और इनू करन तो बाद सुकाउणा नहीं आ, नाल दी असीं तुसी हुण किहड़ा ब्रश लओगे तुहाडे ते डिपेंड करदा है। मैं इत्थे लै रही हाँ चार नंबर भी असीं लै सकदे हाँ, जिहड़ा तुहानूं अच्छा लगदा तीन नंबर भी लै सकदे हाँ। पर जदों मैं मिक्सिंग करूँगी ना, मैं इतने रफ जिहा जिहड़ा ब्रश होएगा ना वह यूज़ करांगी। तो पहला मैं लगाऊंगी कलर, बाहरों शुरू करांगे, इतों शुरू कर लो, आ पैटल तो शुरू कर लो, आ तो कर लो, तुहाडी मर्जी है। बट मैं देखो इधरों नीचे वाली पैटल्स तो स्टार्ट किया, नीचे वाली पैटल्स नूं मैं उपरों उलीकनी तो शुरू करके तो वाइट कलर कर रही हाँ, ठीक है? फिर मैं देखो ब्रश नूं साफ किया, उस तो बाद मैं कलर लिया पिंक। ये मैं रेड दे विच वाइट मिला के पिंक बनाया। तो आ देखो नीचे स्टार्ट करके, ठीक है,
कलर बहुत ज़्यादा नहीं लाना, मैं बार बार कहनी हाँ जदों भी आप मिक्सिंग का कोई भी इस तरह का कोई फ्लार करते हैं तो ज़्यादा कलर नहीं लाना, थोड़ा थोड़ा ही लाना वा, फिर ज़्यादा भी फिर सैटिंग नहीं होंगी, पूरा मिक्सिंग का इफेक्ट नहीं आना। ठीक है, इस तरह करने तो बाद ब्रश धोना, ब्रश धोने तो बाद फिर वाइट कलर ही लेना। वाइट कलर हूँ आप दूसरी पैटल्स से इस तरह ही, मतलब जड़ा आ असी वाइट भी कलर करते हैं ना तो एक्सैस में नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही होना चाहिए। फिर इनू धोना, धोन तो बाद देखो पिंक कलर नू हेठले हिस्से तो स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करके इस तरह मिक्सिंग देनी है और फिर उस तरह ही वाइट कलर लगाना, इतों स्टार्ट करांगे असी वाइट कलर लगाना उपरों। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं आ, हौसला बिल्कुल नहीं छड़ना, हौसले हमेशा तुसी बुलंद ही रखने आ, जरूर आएगा, एहो जा कोई काम नहीं हैगा जड़ा असंभव होवे साडे लई। जो बंदा काम करना स्टार्ट कर देंदा ना किसी अपने जो उन्हें सोचा हुंदा, जो उदा एम हुंदा, जो उस ते उन्हें काम करना स्टार्ट करदा ना तो कोई भी चीज़ अजिही नहीं है जिहड़ी असंभव होवे, खत्म हो जांदी है असंभव दियां संभावनावां। ठीक है, और इस तरह ही फिर ब्रश नूं धोवांगे। बार बार ब्रश नूं धोण तों इलावा भी तुसी एक काम कर सकते हो, तुसी दो ब्रश लै लो, दो ब्रश तुसी लै लो, जिवें एक नूं वाइट च लगा लो, है ना, दोबारा दोबारा सानूं धोना नहीं पएगा ब्रश। देखो आ जिवें हुण मैं अपने हाथ च दो ब्रश फड़ ले और इहनूं चंगी तरह पहला मैं मिक्स किया, फिर पिंक कलर दे नाल नीचों स्टार्ट करते हुए उपर नूं वधना, वधदे हुए इत्थे जाके आपां मिक्सिंग दे देनी है। ठीक है, इस तरह बिल्कुल ईजी आ। फिर मैं लगता कि वीडियो लंबी बनेगी पर देखियो सारी, क्योंकि जे नहीं देखोगे ना तो फिर समझ नहीं आएगा। स्टैप बाय स्टैप फ्लार बनना है, ये अजे सिर्फ जस्ट असी मिक्सिंग वाला स्टैप कर रहे हैं, इस तो बाद असी फिनिशिंग भी देवांगे इनू, तो क्योंकि हर एक पैटल जी वन स्ट्रोक तो है नहीं, पैटल अलग अलग बनावांगे, इस करके टाइम कंज्यूमिंग तो मैथड है ही, पर सहज पके सो मीठा होए। और हमेशा ही कहनी हाँ कि आराम नाल शौक नाल काम करोगे वो सोने तो होंगे ही आ, सैटिस्फैक्शन भी देंगे आ, सो काम नू जिहड़ा आ बड़े सहजता दे नाल करना, कोई काहली नहीं करनी, फिर ही रिजल्ट वो अच्छे आते हैं, अदरवाइज तो फिर कालिया अगे टोए काम कदे ना होए। ठीक है ना, काली तो आप करनी नहीं आ बिल्कुल भी, और स्पेशल थोड़ी ही डिमांड ते ये वाला जिहड़ा फ्लार है मैं बना रही हाँ। वैसे मैं अगे थानू वन स्टॉक जिहड़ा जिहड़े रोज़ है गया वो थानू मैं सिखा चुकी हाँ, जे चाहोगे होर किसी तरीके का भी रोज़ सीखना तो मैं वह भी थानू सिखाऊंगी, क्योंकि देखण च सब तो ज़्यादा जिवें सूट वगैरह होंगे आ ना वो रोज़ जी जिथे पेंट किए हो ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह ही हूँ जिथे जिवें छोटे छोटे हम अपनी पैटल्स रह गई है ना उन्होंने भी सेम मैथड के नाल ही असी करांगे, और कलर बहुत ज़्यादा नहीं लाना हूँ क्योंकि पत्ती देखो बिल्कुल छोटी है, तो थोड़ा ही कलर लगावांगे। और इस तरह ही हूँ अपने को वाइट कलर पहला ही ऑलरेडी हैगा आ, थोड़ा थोड़ा आप लगावांगे, अजे सुक्का नहीं आ कलर तो फिर भी असी लगावांगे। आ देखो बाहरली साइड पर मैं लगाता और अंदरली साइड पर आप पिंक कलर मैं दस चुकी हाँ, रेड दे विच वाइट मिक्स करके मैं पिंक कलर बनाया, और हुण जिहड़ा बाकी एरिया रहिंदा ना उहदे विच मैं पिंक कर दूंगी। ठीक है, और थोड़ी मिक्सिंग दे दांगे इस तरह। ठीक है, बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी लुक देगा फ्लार, इस तरह साडा मिक्सिंग वाला फ्लार जिहड़ा आ उह रेडी हो गया। तो हुण आपां की करांगे, जिहड़ी जिहड़ी साइड ते साडा पिंक कलर आ ना उह साइड ते हुण इहदे ते आपां रैड करांगे। ठीक है, रैड कलर लै लांगे, रैड कलर नूं थोड़ा थोड़ा आपां पिंक वाली साइड तों स्टार्ट करांगे, ज़्यादा कलर नहीं लैना, बिल्कुल थोड़ा कलर लैना, जे ज़्यादा लग गया तां उहनूं आपां साफ कर लेना कपड़े दे नाल। उस तरह ही सेम इधर भी कपड़े नाल साफ कर लो,
और इस तरह मिक्सिंग दे थ्री कलर जिहड़े साडे शो होणगे, एक वाइट, एक पिंक और एक रेड, है ना। तो हाँ जी मैं वीडियो दोबारा कॉन्टीन्यू करन लगी हाँ उहदे नाल जोड़ूंगी, क्योंकि जदों मैं तुहानूं आ रैड वाला सिखा रही सी ना कि रैड आउटलाइनिंग नाल नाल मिक्सिंग देनी है, मेरा मोबाइल बंद हो गया सी, ठीक है। और हुण इह बिल्कुल सुक चुका आ, थोड़ी हो सकदा तुहानूं मतलब हुण मैथों उदां दा ना बने, क्योंकि गिले गिले ते इह जिहड़ा इफेक्ट अच्छा आउंदा, पर मैं तुहानूं सिखाऊंगी जरूर। उस तो बाद जिवें आपां कर लिया तां जिहड़ी साइड ते साडा पिंक कलर सी उस साइड ते असीं इस तरह करके रैड लगावांगे, उसे साइड ते जिहड़ी साइड ते साडा पिंक कलर सी, ठीक है। उहदे नाल साडे तीन कलर, मैं शायद दस चुकी हाँ, तीन कलर शो होणगे। तां नाल दी नाल ही जिहड़ा ब्रश आ उहनूं तुसीं पूंजदे जाणा, और फिर इत्थों असीं स्टार्ट करांगे, ठीक है। और बाहर वाली जिहड़ी आउटलाइन आ ना उह असीं बाद चों बणावांगे, ठीक है। इस तरह फिर थोड़ा जल्दी करिए, क्योंकि देखो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी आई थिंक। इस तरह इनू फैलाना, ठीक है। लाइट पिंक, वाइट, थोड़ा जहा इनू मैं पानी नाल, क्योंकि सुक गया ना, थोड़ा ब्रश नू पूंज के ना इनू मिक्सिंग देन लगी हाँ, ताकि चंगी तरह मिक्स हो जाए। और देखो मैं पेंसिल ना ड्रॉ किया सी ना, नीचे पेंसिल भी नज़र आ रही है, सो तुसी लाइट जिही ड्रॉ करना है। मैं तुहानू सिखाउण दे करके डार्क किया सी कि तुहानू जिहड़ा वो दिख जे, ठीक है। इस तरह असी सारियां पैटल दे विच रैड कलर बना लाँगे, रैड कलर नाल आउटलाइनिंग करके, आउटलाइनिंग करन तों बाद उहनू मिक्सिंग दे देनी है, जिस तरह आपां दूसरे कलर्स नूं दित्ती सी, वाइट नूं दित्ती सी या पिंक नूं दित्ती सी, उसे तरह ही, ठीक है। और हुण साडा किहड़ा रह गया, आ रह गया, और सारियां पैटल्स दे विच ये अलग अलग सानूं करना पएगा, और बिल्कुल काली नहीं करनी, बड़े आराम दे नाल सबर दे नाल जिहड़ा असीं ये काम करना। और फिर असीं थोड़ा जिहा इत्थे भी थोड़ा थोड़ा करांगे, ठीक है, इस तरह। और हुण लास्ट जिहड़ा ना हुण असीं की करांगे, लास्ट असीं वाइट कलर लवांगे, और वाइट कलर दे नाल जिहड़ी आउटलाइनिंग एक वारी करांगे। तां इहदे लई तुसीं राउंड ब्रश लै लैना, इहदे नाल फिनिशिंग आ जाएगी, जिहड़ा कलर आसे पासे साडा फैलिया होया आ जां आउटलाइनिंग वगैरह दिसदी है ना उह वी ठीक हो जाएगी। और जदों तुसीं आउटलाइनिंग करोगे ना, तां जे तां तुहाडा कलर सुक गया होया तां उहदे विच पाणी पाउण दी खेचल करना, अदरवाइज़ प्लीज़ कोशिश ना करना कि विच पाणी पाया जावे, क्योंकि जे तुसीं पाणी पाओगे तां फिर ये तुहाडा फैल जाएगा कलर, और फिनिशिंग नहीं आएगी प्रॉपरली। तां इस तरह इत्थों भी स्टार्ट कर दो, जिवें आपां स्टार्टिंग पॉइंट ते कीता सीगा सेम उदां ही। तां इहनूं भी एक प्रॉपर शेप दे देनी है असीं, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਗੜਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਲਿਓ, ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ, और जे तुसी इहदे विच कोई चेंज करनी चाहुंदे हो तां जी सदके तुसी करो, ज़्यादा वधिया लगता है। जिवें तुसी आप बाहरलियां पैटल्स आ इहनूं देखो, आपां इह तां रफ कपड़ा है ना, आ देखो इहनूं तुसी इस तरह भी थोड़ा करदे हुए मूवमेंट च ब्रश नूं लिया के उपर नीचे तां इह वी तुसी कर सकदे हो, पत्तियां नूं बना सकदे हो। उहदे नाल इह हुंदा कि तुसी खुद अपना कुछ ऐड किया, ठीक है। ਇਹ ਸੀ ਫਲਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कलर फिल कर देना, विच विच मिक्सिंग हो जाएगी, और फिर किते किते असी रेड कलर नू ज़्यादा कर देना शो, जिमें
अंदरले पासे रेड कलर लगा देंगे और उस तरह ही असी ज़्यादा टाइम नहीं लगावांगे बड ते, ठीक है। और फिर इहदी फिनिशिंग आपां सेम उस तरह ही जिवें कि असी दित्ती सी ना उधर साड़ी टैंकी भर चुकी आ ते मैं बंद कर रहा हाँ, ठीक है। इस तरह साड़ी बड भी रेडी हो गई ते हुण आपां जल्दी जल्दी जड़ी इहदियां मतलब टाणियां वगैरह सीखते हैं जिमें कि आ देखो फ्लार दे नीचे फिर उपरों इधर नूं करके नीचे नूं इस तरह थोड़ी टेढ़ी लाइन जान दिया करो, पूरी सीधी नहीं आनी चाहिए। मतलब जिमें कि गुलाब का तुसीं देखिया ही होना है ना, जिमें चलो आ पत्ती हुण बनाउणी आ। एक साइड ते मैं ग्रीन कलर लगा लिया और जिहड़ा कलर मेरे को बचिया वह मैं दूसरी पत्ती ते लगाता ताकि मेरा जिहड़ा कलर आ वह वेस्ट ना हो। जो पत्तियां छोटियां होण ते कलर आटोमैटिकली घट ही लगता, ठीक है। लाउण तो बाद कलर नूं करना जी ब्रश नूं धो लो या कोई होर ब्रश लै लो, फिर वाइट विच डिप करो और दूसरी साइड ते वाइट लगाउंदे लगाउंदे इस तरह मिक्सिंग दे दो, ठीक है। हाँ इस तरह मिक्सिंग दे दो, अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। फिर दूसरी पत्ती ते भी जिन्ना ग्रीन लग गया लग गया, उस दूजी जगह ते मैं दूसरी साइड ते वाइट कलर लगाउण लगी हाँ और मिक्सिंग दे दूंगी। और इस तरह ही मैं तुहानू बड का भी दसदा पहला जल्दी जल्दी। बड जिहड़ी आ इत्थों शुरू करके इहदे नाल पत्तियां बना के फिर उपरों इस तरह करन तो बाद अजे मैं थोड़ा जिहा इहदे विच ना ब्लैक कलर दा देना। ये मैं फ्लैट नाल कर रही हाँ, तुसी अजे तो फ्लैट नाल कर लोगे तो बहुत वधिया, अदरवाइज तुसी ना लै लियो राउंड राउंड ब्रश नाल, बिगनर्स नू बड़ी आसानी रहिंदी है, ठीक है। और मैं राउंड ब्रश बहुत घट यूज़ करती हाँ इसलिए मेरे हाथ ते चढ़िया नहीं होया, बट कई राउंड ब्रश दे नाल बहुत वधिया काम करते हैं। सो जिवें तुहानू सौखा लगेगा ये तुहाडी प्रेफरेंस आ, तुसी जिहड़े ब्रश नू देना चाहोगे उस तरह ही आपां इधर वाइट लगावांगे। हुण साडा रह गया जी लास्ट स्टैप आखिरी, आपां की करांगे कि थोड़ा जिहा इहदे विच ब्लैक दा टच दवांगे। किद्दां जिवें ब्लैक कलर अ लिटल बिट, बहुत घट ज़्यादा नहीं लैना, जे ज़्यादा लिया तो तुहानू पता ही है ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा जिवें डार्क हुंदा ना तो बहुत ज़्यादा है ना। ये फिर इनू ब्रश नू धो के ना तो थोड़ा जिहा इनू इस तरह करके फैला दो पत्ती दे नाल नाल ही, बस ब्रश नू धो के पूंज के, ठीक है। इस तरह ही हुण बाकी जिहड़ियां जगह ने ना किते किते जिवें इत्थे बस फैलाता, किते डंडी च लगाता, सेम इत्थे लगाता, आ डंडी ते लगाता, बस जी है ना। हुण इह साडा फ्लार जिहड़ा कंप्लीट हो गया और उस तो बाद जिहड़ी तुसीं पत्तियां दे विच लाइनज़ लगाउणियां इह लगा लो, नहीं लगाउणियां ना लगाओ। मैं तुहानूं दस दिंदी हां इहदे लई तुसीं लओगे राउंड ब्रश, ब्रश मिलदे भी नहीं आ, और वाइट कलर च डिप करके देखो ज़्यादा लग गया मेरे कोल कलर, बिल्कुल थोड़ा लगाना, लगा के इस तरह हल्किया हल्किया लाइना दे दो, ठीक है। हाँ फैल गया, ब्रश गिला सी एक मैनू काली हुई पई है, मैं तुहानूं दस रही हाँ कि काली नहीं करनी पर खुद काली कर रही हाँ। सो वीडियो किवें दी लगी प्लीज़ कमेंट करना ना भुलना, सोहने सोहने कमेंट करना, वीडियो नूं लाइक शेयर और चैनल नूं सबसक्राइब करना। फिर एक वीडियो लैके मिलांगे, इसे फ्लावर दे नाल आपां डिज़ाइन क्रिएट करांगे ब्लैक सूट दे उपर। तद तक दे लई सत श्री अकाल, खुश रहो।